कहानी की स्टार्टिंग में हमें अनीता नीति नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मेंटल असाइलम में होती है। ये लड़की देखने में काफी अग्रेसिव नेचर की लग रही होती है, लेकिन नीति पहले से ऐसी नहीं थी। इसके पीछे की जो कहानी है हमें आगे पता चलने वाली है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एक नर्स उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो उस नर्स को बुरी तरह से मारने लगती है, जिसे बचाने के लिए यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं, लेकिन वो गार्ड से भी झगड़ा करने लगती है, जिससे नीडी को पकड़कर एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब वो जिस रूम के अंदर बंद होती है वहां पर एक म्यूजिक बज रहा होता है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ से कहानी 2 महीने पीछे यानी के फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक गांव को दिखाया जाता है जिसका नाम है डेविल कैटल। दरअसल इस गांव का नाम एक झरने की वजह से पड़ा है, क्योंकि उस झरने का पानी एक गड्ढे में जाता है और उस गड्ढे से वो पानी कहाँ जाता है ये आज तक कभी किसी को नहीं पता चल पाया है। यहाँ पर हमें एक जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और ब्यूटीफुल होती है। जेनिफर नीडी की बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन जेनिफर जितनी खूबसूरत होती है नीडी उतनी ही शाई और बिलो एवरेज लड़की है, जबकि नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम चिप होता है। नीडी जितना टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड करती है उससे कहीं ज्यादा टाइम वो जेनिफर के साथ गुजारती है, क्योंकि उसे जेनिफर के साथ रहना बहुत पसंद है। वहीं दूसरी ओर जेनिफर भी नीडी को बहुत वैल्यू देती है और वो भी उसी के साथ रहना पसंद करती है। यहाँ पर जेनिफर नीडी से अपने साथ क्लब में चलने के लिए कहती है, पर नीडी क्लब में चलने से मना कर देती है, पर उसके फोर्स करने के बाद वो उसकी बात को मान लेती है। अब वो क्लब में जाने के लिए रेडी होने लगती है, पर नीडी का बॉयफ्रेंड उससे मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती है। अब ये दोनों रेडी होकर क्लब में पहुंच जाती हैं, जहां पर जेनिफर की मुलाकात एक बैंड मेंबर निकोलस से होती है, और जेनिफर निकोलस से बात करके काफी इम्प्रेस होती है, इसलिए वो उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। लेकिन जेनिफर जब उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए गई होती है, तब निकोलस उसके बारे में कुछ गलत बात कर रहा होता है, जो कि नीडी सुन लेती है, और वो ये बात जेनिफर को जाकर बता देती है, पर जेनिफर उसे ये बातें इग्नोर करने के लिए कहती है। अब बैंड मेंबर का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और निकोलस स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी क्लब में आग लग जाती है, जिससे क्लब में जितने भी लोग थे वो इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी ओर जेनिफर और नीडी भी वॉशरूम की खिड़की तोड़कर क्लब से बाहर चली जाती है, लेकिन क्लब के बाहर उन्हें निकोलस मिलता है, जो कि उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर नीडी उससे मना कर देती है। लेकिन जेनिफर निकोलस को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि नीडी उससे मना करती है, पर वो उसकी बात भी नहीं सुनती है और वो निकोलस के साथ जाने लगती है। नीडी जेनिफर को निकोलस के साथ जाता हुआ देख रही होती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे निकोलस पर भरोसा नहीं था। अब नीडी घर आकर ये बात अपने बॉयफ्रेंड चिप को भी बताने लगती है, क्योंकि उसे जेनिफर की फिक्र थी कि कहीं जेनिफर के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब वो जब अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, तब उसे दरवाजे से डोरबेल बजने की आवाज आती है, इसलिए जब वो जाकर चेक करती है तब दरवाजे पर कोई भी नहीं होता, इसलिए वो दरवाजा बंद करके घर के अंदर आने लगती है। लेकिन तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए जब वो जाकर चेक करती है तब वहां पर जेनिफर होती है, जो कि खून से लथपथ होती है और नीडी को देखकर एक अजीब सी स्माइल कर रही थी। इसके बाद वो फ्रिज से कच्चा मीट निकालकर खाने लगती है और जानवरों की तरह आवाज निकालती है। ये देखकर नीडी को काफी अजीब लगता है। मीट खाने के बाद जेनिफर नीडी से बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नीडी अपनी क्लास में बैठकर पिछली रात की बातों के बारे में सोच रही होती है कि तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो कि अब पूरी तरह से नॉर्मल होती है। लेकिन नीडी रात के बातों को लेकर उससे बहस करने लगती है, पर तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाता है, जो कि रात मरने वाले स्टूडेंट्स के बारे में सभी को बताने लगता है। पर इन सब बातों से जेनिफर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो क्लास में हंस रही होती है, पर जेनिफर की ये सारी हरकतें देखकर नीडी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को भी जेनिफर की ये सारी बातें बताने लगती है। अब तभी हमें कॉलेज के ग्राउंड में फुटबॉल टीम के मेंबर जोनस को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों की मौत से बहुत दुखी होता है, पर तभी जेनिफर उसके पास आकर उसे समझाने लगती है और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाने लगती है। अब जंगल में जाकर वो जोनस के करीब आने लगती है, जिससे जंगल के जंगली जानवर उन्हें देखने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनिफर काफी खतरनाक क्रिएचर में बदल जाती है और उसके दांत बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिससे वो जोनस को मारकर खा जाती है। अब जोनस के चिल्लाने की आवाज उसके प्रोफेसर तक भी पहुंच जाती है, जिससे जब वो यहाँ पर आकर देखता है तब उसे जोनस की आधी खाई हुई बॉडी मिलती है, इसलिए प्रोफेसर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। दूसरी ओर नीडी जेनिफर को कॉल करके सोसाइटी में हो रही घटनाओं के बारे में बताने लगती है,
लेकिन जेनिफर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी जेनिफर लाइटर से अपनी जीप को जलाने लगती है, लेकिन आग से उसकी जीप को कुछ भी नहीं होता है। अगले दिन कॉलेज में कॉलिन नाम का लड़का जेनिफर को अपने साथ मूवी डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। लेकिन घर जाकर वो उसको मैसेज करती है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आने के लिए बोलती है। इसलिए कॉलिन वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का रंग बदल रहा है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाता, जेनिफर उसको मारकर खा जाती है। दूसरी ओर हमें नीडी को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, लेकिन तभी उसे जेनिफर के विजन आने लगते हैं, इसलिए वो डरकर यहाँ से भागने लगती है। अब नीडी जब रास्ते में होती है, तभी जेनिफर उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और उसकी गाड़ी के ऊपर जंप मार देती है, जिससे नीडी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो घर जाकर रोने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेनिफर को हुआ क्या है। लेकिन तभी यहाँ पर जेनिफर भी आ जाती है और वो उसको उस रात के बारे में बताने लगती है जिस रात उस क्लब में आग लगी थी और वो नीडी को छोड़कर निकोलस के साथ चली गई थी। यहाँ पर जेनिफर नीडी को बताती है कि उस रात निकोलस मुझे अपने बैंड मेंबर्स के साथ एक झरने के पास ले गया था, क्योंकि वो मुझे मारकर अपने रिचुअल को कंप्लीट करना चाहता था जिससे वो अपने बैंड को सक्सेस दिला सके। लेकिन ये रिचुअल सिर्फ वर्जिन लोगों पर ही किया जा सकता था, इसलिए निकोलस ने जब मुझसे पूछा कि क्या तुम वर्जिन हो, तब मैंने उससे झूठ बोल दिया। अब निकोलस मेरे ऊपर कई बार चाकू से स्टेप करता है जिससे मेरी मौत हो जाती है। ऐसा करके निकोलस के बैंड को तो सक्सेस मिल जाती है, लेकिन मेरे वर्जिन ना होने की वजह से मेरे अंदर भी डेविल्स पावर आ गई, जिससे अब मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जेनिफर की इन सारी बातों पर नीडी को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे अपने हाथ पर एक कट लगाकर दिखाती है जो कि कुछ ही देर में खुद से ही ठीक हो जाता है। अब ये सारी बातें बताने के बाद जेनिफर नीडी के घर की खिड़की कूदकर चली जाती है जो कि 15 फीट हाइट की थी। ये देखकर नीडी अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन हमें नीडी को कॉलिन के फ्यूनरल पर दिखाया जाता है जो कि सीधे यहाँ से लाइब्रेरी में आती है जिससे वो अपने सभी सवालों के जवाब तलाश कर सके। यहाँ पर उसे कुछ किताबें पढ़कर समझ आ जाता है कि जेनिफर ने उसे जो भी कुछ बताया है वो सच है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जेनिफर को ब्यूटीफुल और अपनी पावर को बचाए रखने के लिए इंसानों का मीट खाने की जरूरत होती है जिससे वो किसी को भी मारकर खा सकती है। इसलिए नीडी को चिप की फिक्र होने लगती है क्योंकि जेनिफर का अगला शिकार कहीं चिप ना हो जाए। वो चिप के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताने लगती है, लेकिन वो उसकी इन बातों का यकीन नहीं करता है। अब सभी स्टूडेंट कॉलेज में डांस कॉम्पिटिशन की तैयारियां कर रहे होते हैं। यहाँ पर नीडी भी कॉलेज पहुंचकर चिप के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन चिप की गाड़ी खराब हो चुकी थी जिससे वो पैदल ही कॉलेज आ रहा था, पर तभी उसे रास्ते में जेनिफर मिलती है और वो उसे रास्ते में रोककर उससे नीडी के बारे में काफी बुरी बातें करने लगती है। जेनिफर चिप को बताती है कि नीडी तुमसे प्यार नहीं करती है, बल्कि वो तुम्हारे साथ चीट कर रही है। दरअसल जेनिफर ऐसा इसलिए कर रही थी जिससे वो चिप का शिकार कर सके। दूसरी ओर हमें नीडी को दिखाया जाता है जो कि चिप के कॉलेज नहीं पहुंचने पर काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो चिप को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर जेनिफर चिप को अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि तभी नीडी यहाँ पर पहुंच जाती है, जिसे जेनिफर चिप और नीडी के ऊपर हमला कर देती है और इस हमले में चिप की मौत हो जाती है। नीडी के बॉयफ्रेंड को मारने के बाद जेनिफर तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन नीडी को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए अब वो उसे बदला लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और जेनिफर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में जेनिफर नीडी की गर्दन पर काट लेती है और नीडी जेनिफर के सीने पर चाकू से स्टैब करती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर नीडी को ऐसा करते हुए जेनिफर की मां ने देख लिया था, जिससे जेनिफर के खून के इल्जाम में उसको जेल हो जाती है। और यहां से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हमें पता चलता है कि जेनिफर के काटने की वजह से उसकी सारी पावर्स नीडी के अंदर आ चुकी है। अब नीडी मेंटल असाइलम का दरवाजा तोड़कर यहां से भाग जाती है और वो उसी झरने के पास पहुंचती है जहां पर निकोलस ने जेनिफर को मारकर अपना रिचुअल कंप्लीट किया था। यहां पर उसे वही चाकू मिलता है जिससे निकोलस ने जेनिफर को मारा था, इसलिए वो उस चाकू को उठाकर अपने पास रख लेती है। आगे सीन में हमें उन सभी बैंड मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि अब काफी फेमस और अमीर हो चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जिस होटल में रुके हुए थे उस होटल के अंदर उन सभी को किसी ने मार दिया है। अब आखिरी सीन में हमें उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि नीडी उस होटल से बाहर आ रही होती है और ये देखकर हमें पता चलता है कि नीडी ने उन सभी लोगों को मारा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर और अपने बॉयफ्रेंड को खोया है। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।